एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइज आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज एक बार फिर से एक रिव्यू वीडियो होने वाला है और आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बी मिनिमलिस्ट या मिनिमलिस्ट का 10% नायासिनेमाइड विद जिंक का रिव्यू। सो गाइज, आई गेस मैं शायद इसके रिव्यू के लिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, बट मैं इसे प्रॉपर पूरा टाइम देना चाहती थी। मुझे इसे यूज करते हुए ऑलमोस्ट एक मंथ से ऊपर हो चुका है और मैं इसे कंटिन्यू यूज कर रही हूँ और आई थिंक अभी मैं अपने रिव्यू के साथ रेडी हूँ। सो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो स्टार्टिंग विद द पैकेजिंग। सो पैकेजिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है। पूरा ये कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसके ऊपर इनके कुछ क्लेम्स दे रखे हैं और मैंने इसे ऑर्डर किया था अमेजोन से। मुझे ये मिल गया था 569 का, बट आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। वैसे इसका जो एमआरपी है वो है 599 फॉर 30 ml ऑफ प्रोडक्ट। सो गाइज, अगर बात की जाए इस ब्रांड की तो ये एक इंडियन ब्रांड है और रिसेंटली ही इंडिया में लॉन्च हुआ है और ज़्यादातर इनके जो सीरम्स हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ही हैं और बहुत से लोग गाइज इस ब्रांड को थोड़ा बैश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका जो फॉर्मुलेशन है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो पैकेजिंग है वो ऑर्डिनरी से कॉपी की गई है। बट गाइज, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊँ तो अगर कोई ऐसा इंडियन ब्रांड मार्केट में आ रहा है जो आपको फॉरेन में जो कल्ट फेवरेट स्किन केयर ब्रांड्स हैं उसके जैसी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आई गेस हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और हमें उन्हें बैश नहीं करना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे गाइज, मतलब तो इसी से है कि प्रोडक्ट अच्छा हो और आप पे अच्छा वर्क करे। सो ऑर्डिनरी इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है और अगर अवेलेबल है भी तो उसका प्राइस हमें 2 times या 3 times ज़्यादा ही देना पड़ता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट से। सो गाइज, नायासिनेमाइड एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ज़्यादा सेफ है स्किन पे यूज़ करने के लिए। ज़्यादातर लोगों को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट बहुत बार जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है तो पैच टेस्ट मस्ट है। और अगर बात की जाए कि नायासिनेमाइड हमारी स्किन के लिए क्या करता है, तो गाइज जिन लोगों को एनलार्ज पोर्स की प्रॉब्लम है या जिनकी स्किन पर हार्मोनल एक्ने है, रेडनेस है, इरिटेशन है या किसी भी तरीके की हाइपर पिगमेंटेशन है, तो गाइज उन लोगों के लिए नायासिनेमाइड बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन जिन लोगों को होता है जिनकी सुपर ऑयली स्किन होती है, तो उन लोगों के लिए भी नायासिनेमाइड बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। बात करते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में। सो आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है, थोड़ी सी फ्रॉस्टेड बॉटल है और उसके ऊपर आपको व्हाइट कलर का ड्रॉपर मिलता है। मेरे पास जो वेरिएंट है ये है नायासिनेमाइड 10% प्लस जिंक का, बट अभी रिसेंटली ब्रांड ने 5% नायासिनेमाइड प्लस हाइलोरोनिक एसिड का भी एक सीरम निकाला है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आप न्यू हैं नायासिनेमाइड के लिए, यानी कि बिगिनर हैं, तो गाइज आप वो 5% वाली कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो एक्टिव्स हमें बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज में नहीं यूज़ करने चाहिए। स्टार्ट कीजिए थोड़ी परसेंटेज से, अगर वो आपको सूट करता है तो नेक्स्ट टाइम फिर आप 10% के लिए जा सकते हैं। बात करते हैं एक्चुअल कंसिस्टेंसी की, प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी कैसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा थिक या थोड़ा गुई सी कंसिस्टेंसी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रनी इसकी कंसिस्टेंसी है। और इसके साथ साथ गाइस यहाँ पर इन्होंने अपने पैकेजिंग पर 6 ऐसे क्लेम्स दे रखे हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई सिलिकॉन्स नहीं है, कोई पैराबेंस, कोई एसेंशियल ऑयल्स, कोई डाइज और सल्फेट्स नहीं है। सबसे अच्छी बात गाइस, इसके अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस और एसेंशियल ऑयल्स नहीं है। अगर मैं डर्माकोक की बात करूं तो मैंने उसका भी 10% नायासिनेमाइड यूज किया है, उसके अंदर भर भर के परफ्यूम डाला गया है और उसे यूज करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स हुए थे। और बहुत सारे लोग फ्रेग्रेंस से सेंसिटिव होते हैं, तो मेरी स्किन भी सेंसिटिव है और फ्रेग्रेंस और एसेंशियल ऑयल्स अगर आपकी स्किन केयर में ना हो तो बेटर है क्योंकि बहुत सारे लोग इससे एलर्जिक होते हैं। अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो सभी इंग्रेडिएंट इसके पैकेजिंग के ऊपर मेंशन है, बट गाइज एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर जो बेस है इसका वो है एलोवेरा जूस, जो कि एक अच्छी बात है, ह्यूमेक्टेंट है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग भी है। बट मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनको एलोवेरा सूट नहीं करता, जो एलोवेरा से एलर्जिक है। सो गाइज, अगर आपको एलोवेरा नहीं सूट करता है तो गाइज प्लीज इस प्रोडक्ट से दूर रहिए क्योंकि इसके अंदर जो बेस प्रोडक्ट और जो नंबर 1 इसका इंग्रेडिएंट है वो एलोवेरा जूस है। सो
गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा लिक्विडी है, रनी है, तो आपकी स्किन पे काफी अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, बट 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा लेता है स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए। उसके बाद स्किन पर ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी नहीं लगाया, तो इसके ऊपर आपको मॉइस्चराइजर जरूर टॉप अप करना पड़ेगा क्योंकि आपकी स्किन को हाइड्रेट नहीं करता है। और इसके साथ साथ गाइज इन केस आप मॉर्निंग टाइम इसे यूज कर रहे हैं तो सनस्क्रीन मस्ट है, इवन कि अगर आप इसे रात को भी यूज कर रहे हैं तब भी सनस्क्रीन मस्ट है। इन इंग्रेडिएंट्स यूज करने के साथ साथ गाइज हमारी स्किन ज्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है, सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम नेक्स्ट डे जरूर अपनी सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें, नहीं तो जो इसका इफेक्ट है वो सही होने की बजाय हमारी स्किन पे बुरा पड़ेगा क्योंकि सन रेज हमारी इरिटेटेड स्किन को और ज्यादा डैमेज कर सकती है। सो गाइज अब बात करते हैं कि ये मेरी स्किन के लिए कैसा वर्क किया। मैं अपनी पिक्चर्स यहाँ पर टैग कर दूंगी, आप देख सकेंगे कि मेरी स्किन दोनों तरफ से बहुत ज्यादा रेड रहती है, मुझे यहाँ चीक्स पर बहुत ज्यादा रेडनेस का इशू है, प्लस मुझे बहुत ज्यादा हॉर्मोनल एक्ने होते रहते हैं, बट इसने मेरे एक्ने को 2 से 3 दिनों में ही सप्रेस कर दिया। और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज मैंने इसमें देखी है गाइज, मुझे जब पहले हॉर्मोनल एक्ने होते थे तो मैं उनको इस तरीके से फोड़ती रहती थी जिसकी वजह से मुझे छोटे से पिट्स हो गए थे यहाँ पर, बट जब से मैंने इसे यूज करना शुरू किया है तो वो जो पिट्स हैं वो भरने लग गए हैं, उनके ऊपर स्किन आने लग गई है। वो पहले स्किन काफी ज्यादा टेक्स्चर्ड लगती थी बट अब काफी स्मूथ हो गई है, प्लस यहाँ पर मेरी चिन पर भी छोटे से जैसे पिंपल्स नहीं जैसे स्किन सी होती है, टेक्स्चर स्किन होती है, तो वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है इसे यूज करने के बाद। और इसे यूज करने के बाद अभी मुझे मेरी स्किन पर रेडनेस काफी कम नजर आती है और पोर्स काफी ज्यादा श्रिंक नजर आते हैं, काफी मिनिमाइज लगते हैं, और सबसे ज्यादा गाइज मुझे टेक्सचर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इससे, और पिंपल्स अब मुझे कोई नया पिंपल नहीं हुआ है जब से मैं इसे यूज कर रही हूँ, और काफी अच्छा वर्क किया है मेरी स्किन पर। सो गाइज इसे आपको यूज कैसे करना है, वैसे तो इसकी पैकेजिंग पर मेंशन है कि आप इसे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम यूज कर सकते हैं, बट मैं इसे नाइट टाइम में यूज करती हूँ, अपनी स्किन को वॉश करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा डैम्प स्किन पर मैं इसे अप्लाई करती हूँ और आफ्टर 5 मिनट्स उसके बाद मैं अपना रोज हिप ऑयल इसके ऊपर टॉप अप कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अपनी स्किन को ड्राई करता है, मेरी स्किन को तो थोड़ा सा ड्राई करता है क्योंकि अभी विंटर्स भी चल रहे हैं इसलिए भी। सो गाइज मॉइस्चराइजर जरूर टॉप अप कीजिए और इसके साथ कोई भी दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज ना करें, इसे मिक्स भी ना करें किसी के साथ। और अगर बात करूं रेकमेंडेशन की तो गाइस डेफिनेटली मैं आपको ये रेकमेंड करती हूं कि आप इसे जरूर ट्राई करके देखें, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो 5% से स्टार्ट करें और उसके बाद 10% के लिए जाएं। सो आई होप गाइस आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। सो जाने से पहले प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।